नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। किसानों के द्वारा किसान बिल के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन के बाद भारत बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद भारत में जगह जगह प्रदर्शन और बाजार बंद की खबरों के आने के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है। यही कारण है कि प्रशासन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिशों में लगा हुआ है। अराजकता फैलाने वाले और जबरन दुकानों को बंद करवाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहा है। किसानों के द्वारा भारत बंद के आह्वान का असर जिला अलीगढ़ में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। किसानों के द्वारा व्यापारियों सहित अन्य देशवासियों से भारत बंद का समर्थन मांगा गया था, जिसके बाद से राजनीतिक पार्टियां और व्यापारियों के द्वारा किसानों का समर्थन करते हुए अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर सड़कों पर उतरकर किसानों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। वहीं व्यापारियों के द्वारा कहा गया है कि जो हमें अन्न उपजाकर देते हैं, वही अन्नदाता आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है और हम अपनी दुकानों पर बैठे रहें, ऐसा उनसे सहन नहीं होता, इसलिए उनके द्वारा अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है। वहीं राजनीतिक पार्टियों में सपा कांग्रेस के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर नजर रखी जा रही है। साथ ही प्रदर्शन की रूपरेखा बना रहे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को नजरबंद करने की बात कही जा रही है। वहीं पूरे मामले पर ACM रंजीत सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि आज किसानों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। अगर कोई खुद की मर्जी से अपने व्यापार को बंद करता है तो कोई बात नहीं है, अगर कोई अराजकता फैलाने के लिए दुकानों को जबरन बंद कराता हुआ मिला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज दुकानें क्यों बंद कर रखी है? क्या आज दुकानें सिलसिले में बंद है? क्योंकि जो फार्मर के ऊपर जो एक्ट लगाया जा रहा है, जो बिल पारित करने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ आज पूरा इंडिया बंद है। तो उसके समर्थन में आज इतना बाजार बंद कर रखा है, जिससे कि किसानों ने भारत बंद आंदोलन किया था, आज उसको लेकर आप कहीं ना कहीं इस पर बाजार पर सबसे ज़्यादा बिल्कुल उसका पूरा समर्थन करते हैं। ये संविधान के खिलाफ है और इसका हम पूरा समर्थन करते हैं। इसी कारण हमने आज पूरी मार्केट पूर्ण रूप से बंद कर रखी है। अगर प्रशासन खुलवाए या किसी तरीके दबाव किया रहेगा? नहीं, ये तो हमारा संविधानिक हक है, हम अपनी बात कह सकते हैं, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और ये अब सभी दुकानदारों ने अपने मन से और अपने मतलब उस अपने स्वभाव से मतलब जो भी है बंद कर रखी है, ये किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। आपने किसानों का समर्थन आज किसानों ने आंदोलन किया, इसको लेकर आप दुकानें बंद कर रहे हैं? किसी के जोर दबाव में आपने दुकानें बंद की? नहीं, जो अपने खुशी में बंद है। आज दुकानें बंद रहेंगी? पूरा मार्केट बंद है। कौन सी जगह है ये? जोधपुर चौराहा है। जोधपुर चौराहा सारी दुकानें बंद हैं। कितने बजे तक दुकानें बंद रहेंगी? शाम तक ही बंद रहेंगी। जो आप किसानों के समर्थन में आप लोगों ने दुकानें बंद की, शासन द्वारा जबरा सा पूरी करेंगे? देखिए, ऐसा है, कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। सरकार के निर्देश हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना प्रतिष्ठान बंद रखना चाहता है तो रखे, लेकिन जबरदस्ती कोई भी व्यक्ति किसी प्रतिष्ठान को बंद नहीं करवाएगा। और अगर इस तरह की अराजकता पैदा की जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैसे किसी घरों को होम क्वारंटाइन किया गया? होम क्वारंटाइन केस में कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो अराजक तत्व हैं, जिनसे मुझे ये लगता है कि इनके द्वारा समाज में निकल के या सड़क पर निकल करके अराजकता फैलाई जा सकती है, तो उनको हाउस पे ही नज़रबंद रखा गया, हाउस अरेस्ट